हेलो दोस्तों, रेनुस देसी तड़का में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बाजरे की राप। ये भी काठियावाड़ी रेसिपी है और बहुत अच्छी रेसिपी है इसे, और बहुत आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बाजरे की राप। ये मेरी फ्रेंड श्रद्धा बनाएगी। हेलो श्रद्धा बहन। तो ये कितनी देर में बन जाने वाली रेसिपी है? 10 मिनट में सिर्फ। ये 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बाजरे की राप। तो देखिए, ये बना रहे हैं गुजराती बाजरे की राप। और इस तरह से ये तपेली में इन्होंने घी रख दिया है। ये ठंड में बहुत फायदा करती है। तो श्रद्धा बहन से पूछते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है और क्या करते हैं इसमें, और ये क्यों खाने में फायदा करती है। अभी तो श्रद्धा बहन बताएंगे जरा कुछ आपके बारे में। ये ठंड के मौसम में बहुत अच्छा रहता है, ठंड कम होता है, सर्दी भी नहीं होती है इससे। आपने बहुत फायदेमंद है। उसमें मैंने घी डाला, घी गर्म होने के बाद तेज और लविंग डाला और थोड़ा अजवाइन डाल रही हूँ। फिर उसमें बाजरी का आटा पड़ता है। 1 टेबल स्पून उन्होंने बाजरी का आटा लिया है, उसको ये अच्छे से भून रहे हैं। और इसमें आप पानी कितना डालने वाली हो? 1 गिलास। इसमें ये 1 गिलास पानी डालेंगे। देखिए, ये अच्छे से सीख चुका है। स्मेल आ रही है अच्छे से? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो खाने का बिल्कुल मन हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये पूरा 1 गिलास इन्होंने पानी डाल दिया है। अब इसको ये अच्छे से उबल, 2 कटोरी बन जाती है इसे। ओके, और इसको अभी अच्छे से उबालेंगे। अभी ये इसमें क्या डाल रहे हो आप? गुड़ डाल रहे हैं। आप गुड़ कितना लेने वाले हो? पूरा 1 चम्मच, पूरा बड़ा चम्मच। आप देख सकते हो, इन्होंने पूरा 1 बड़ा चम्मच गुड़ डाल दिया इसमें। और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। आप देख रहे हो, इनको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और गैस की फ्लेम को फुल ही रखा है इन्होंने, और इसको उबलने तक का हमको इंतजार करना है। और ये सारी रेसिपी काठियावाड़ी है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे एक बार जरूर बनाइए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और एक बार ट्राई जरूर कीजिए। ये ठंड में बहुत ही फायदा करने वाली रेसिपी है और सबको बहुत पसंद आने वाली है, और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बच्चे को भी पिला सकते हैं डिलीवरी के टाइम पे। औरतों को भी पीना, पिलाने से दूध ज्यादा। श्रद्धा भी इधर देख, क्या बताएंगी कि क्या हो सकता है? ये प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी होती है ना, उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। और राप और बाजरी का रोटला खाने में देते हैं 6 दिन तक, ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये बहुत आसान रेसिपी है और ये बहुत ही फायदा करती है। अदरक डाला मैंने, देखिए इन्होंने अदरक डाला है अभी, और मिरी पाउडर, और ये काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। और ये बहुत ही फायदा वाली रेसिपी है, तो इसे आप जरूर बनाइए। और झटपट बनने वाली रेसिपी, मिनिमम 10 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये सबके लिए फायदा करती है और प्रेग्नेंट लेडी को तो ज्यादा फायदा करती है। तो इसे आप जरूर खाइए और खिलाइए। देखिए, ये बन चुकी है और इसको इस तरह से हम कटोरी में निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल पतला ही रहता है और ये बहुत फायदा करता है। तो आप जरूर बनाइए।